आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के बकानी में आज फिर 108 एम्बुलेंस स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया। 108 स्टाफ की लापरवाही से मुमताज बी पत्नी असलम खान निवासी बकानी उम्र 35 वर्ष की हुई मृत्यु। एम्बुलेंस स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी साजिद खान के नाम डॉक्टर मृत्युंजय मंडल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर का जियाला बेली, अल्ताफ मंसूरी, हेमराज राठौड़, नाथूलाल वर्मा, कन्हैया लाल मेहर और अन्य नागरिक मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से सनी जन की रिपोर्ट। से मुमताज बी को यहाँ लेकर आए डिलीवरी के बाद से, तो डिलीवरी अस्पताल में लिया, अस्पताल में लाने के बाद डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। कुछ के घंटा पर बाद बताया कि इनके ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, तो 4:38 पे डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब खड़े थे, उनको बुलवाया तो डॉक्टर साहब ने लिखा आप 108 को टेलीफोन करें। 108 को टेलीफोन करा हमने 4:38 को, 7:21 हमने वहाँ 108 वाले से उस पर कॉल पर बात करी, तो उन्होंने कहा हम किसी अन्य मरीज को छोड़ने पेशेंट को ले जा रहे हैं, हम अभी नहीं आ सके। जब हम जैसे ही जो पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब हुई, मुमताज बी की ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो हम उनको लेके और झालावाड़ पहुँचे, तो रास्ते में एक गाँव है सलावत, उस सलावत में देखो तो एम्बुलेंस वहीं खड़ी हुई है। हमने देखा तो एम्बुलेंस के फाटक लगे थे, उसमें कोई चालक ना कोई भी नहीं था। लिहाजा हमें झालावाड़ पहुंच गया, झालावाड़ जाने के बाद में लड़की का भाई वो हमारे पीछे आ रहा था, करीब 50 मिनट के बाद लड़की का भाई आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा मैंने कि भैया तू कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मैं बाबू सलावत जो मोटरसाइकिल सुधारता उस गांव में हूँ, गांव का नाम मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा सलावत है तो क्या गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी क्या, कि हाँ गाड़ी खड़ी, वो 70 कुछ नंबर बताया तो उसके 70-78 कुछ नंबर, ये गाड़ी यहीं पर खड़ी, इसमें कोई भी नहीं है। तो ऑक्सीजन की वजह से, हाँ बिल्कुल, अगर वो गाड़ी में ऑक्सीजन होता हमारी में तो गाड़ी हो सके उसकी जान बच जाती, वो ऑक्सीजन की वजह से ही मरी। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि गाड़ी ऑक्सीजन वाली क्यों नहीं लाई।